दोस्तों, अगर आप भी इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन होते हुए ऑफलाइन दिखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो सेटिंग्स है ये चेंज होकर आई है। पहले कुछ और सेटिंग्स थी, वो जो सेटिंग्स थी वो ऊपर ही आपको दिख जाया करती थी, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आप नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपके सामने नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। हेलो, मैं हूं मुकेश। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे, आपको यहां पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। साइड में नीचे कोने में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर 3 लाइन मिलेंगी, आपको तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद में आपको देखिए, यहीं पर पहले सेटिंग देखने को मिल जाती थी कि आप ऑनलाइन हैं फिर भी ऑफलाइन दिखेंगे इंस्टाग्राम पर, लेकिन अभी ये कुछ चेंज हो चुका है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आ जाना है, देखिए मैसेजेस एंड स्टोरी रिप्लेस में आपको यहाँ पर आ जाना है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर शो एक्टिविटी स्टेटस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप यहां पर जैसे क्लिक करेंगे, यहां से ऑन होता है तो इसको ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। जैसे आप इसको यहां से ऑफ़ करेंगे, आप इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन होंगे फिर भी किसी को ग्रीन टिक आपका नहीं दिखेगा, यानी कि आपका पता नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से ऑन कर देंगे, ऑफलाइन दिखाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी सेटिंग जो कि अब चेंज हो चुकी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।